हत्याओं के आतंक से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। मामला खंडवा जिले के पंडाना ब्लॉक के ग्राम दीवाल का है, जहां पर शराब माफियाओं के आतंक चरम पर है। शराब माफियाओं के खिलाफ गांव की सभी महिलाओं ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शराब माफिया शहरों को छोड़कर गांव की नस्ल बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। वह गांव के सीधे साधे बोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर शराब की लत लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों में भी शराब की गंदी आदत डाल रहे हैं। वहीं इसको लेकर ग्रामीण परेशान है। इस समस्या से परेशान होकर सभी ग्रामवासियों ने डिप्टी कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक को अपनी समस्या बताई है। शराब माफियाओं ने अब शहरों को छोड़कर गांव का रुख किया है। वहीं ये शराब माफिया अवैध कच्ची शराब बनाकर गांव में बेचने लगे हैं और ग्रामवासियों को शराब की लत लगा रहे हैं। इसी से तंग आकर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने शराब बेचने वाले माफियाओं पर कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन देते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। कैसे आए आप आज? दीवाल से आए। क्या समस्या है आपकी? शराब की। तो शराब में गाँव में अधिक शराब बिक रही क्या? तो क्या क्या किया आपने? यहाँ आए तो किसको आवेदन दिया? विधायक जी को दिए। आप क्या चाहते हो? हम शराब बंद करना चाहते हैं कि गांव में शराब बंद हो जाए, गांव सुधर जाए, बच्चे वन सुधर जाए, पढ़ लिख जाए, हमारे लेडीज उनको शांति हो जाए। तो आपने कहां कहां शिकायत करी? एडीएम पास कर दी। एसडीएम साहब, शराब की समस्या है। शराब तो कब से बिक रही शराब आपके वहाँ? बहुत दिन से बिक रही है। तो बड़े पैमाने पे बिक रही क्या? बहुत ज्यादा। तो क्या शराब बिकने से क्या तकलीफ हो रही है आपको? परेशानी हो रही है। परेशानी हमारे बच्चों को मार ठोक करते आदमी उनके क्या आते हैं। कुछ कहने को जाना तो कहते कि हम दवा पी के मर जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, निकल जा मेरे घर से। अनाज सब बेच देते हैं, मजदूरी करते हैं। हम मजदूरी पे जाते जब तक हमारा सब आटा सगार सब बेच देते, कुछ दिन घर में रहते थे। मजदूरी करना और घर के आके देखना तो कुछ भी नहीं मिलता। घर आओ के बच्चों को भी मारते, हमको भी मारते। छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते, इसको हमने कैसे पढ़ाना? इनको पैसे कहाँ से लगाएंगे? मजदूरी वाले आदमी शराब पी जाते हैं तो हमने काम कुछ नहीं करते, काम धंधा कुछ नहीं करते। शराब कितने लोग बेच रहे शराब आपके उधर? 40 लोग बेच रहे हैं। अच्छा, इनको नहीं रोक लगाए तो आगे जाएंगे और दादा पियेंगे। वो तो आंदोलन करेंगे, आगे जाएंगे। दीवाल एक ग्राम पंचायत है, वहाँ की महिलाएं कुछ आई थी मेरे पास, जिसमें उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसमें कि नामजद लिखा है उसमें कि इन इन घरों में शराब बनती है। तो अगर ऐसा है, अगर इतनी बड़े लेवल पे कुछ, अगर कोई माफिया है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसके खिलाफ मैं सख्त एक्शन लूँगा और जो भी संबंधित विभाग है उनको भी इसके खिलाफ जाँच करने के लिए आदेश करेंगे हम लोग।